केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आज भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर बच्चे की मौत के मामले में बीडीओ ने किया स्थल निरीक्षण। बरही के ईदगाह मोहल्ले में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में बरही बीडीओ अरुणा कुमारी और कार्यपालक दंडाधिकारी नाजिया अफरोज के द्वारा स्थल का निरीक्षण किया। इस संबंध में बरही बीडीओ अरुणा कुमारी ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी बरही के निर्देशानुसार स्थल निरीक्षण कर मृतक के परिजनों का मिलकर उनकी बातों को कमलबद्ध किया। उन्होंने बताया कि मामले की और जांच की जानी है। बता दें कि इस 28 सितंबर को ईदगाह मोहल्ले में रियाडा अधिकृत भूमि पर पीके गर्ग कंपनी द्वारा एक बड़ा सा गड्ढा कर छोड़ दिया गया था, जिसमें पानी भर गया था। उसी गड्ढे में 10 वर्षीय मोहम्मद साजिद की डूबने से मौत हो गई थी। जांच के क्रम में मौजूद स्थानीय मुखिया मोहम्मद ताजुद्दीन, युवा नेता संजय मेहता, पंचायत समिति सदस्य प्रमोद विश्वकर्मा, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद गुलजार, मोहम्मद शोएब सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। बरही से अमित सोनी की रिपोर्ट। देखिए, अनुमंडल पदाधिकारी बरही के द्वारा निर्देश जो दिया गया है, कार्यपालक दंडाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को ये जांच दिया गया है, तो उसका भी हम लोगों ने स्पॉट वेरिफिकेशन किया और उनके पेरेंट्स से बात किया, वो बच्चे से भी बात किया जो वो उसके साथ में था, बाकी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया है या जिसने निकाला, इन लोगों से बात की और अभी एक पक्ष का बात रखी गई है। और बाकी इसमें और भी जांच का और भी जितने भी क्या कहते हैं कारक है और भी बचे हुए हैं, वो सारे का जांच की जाएगी 2-3 दिन में। क्या कार्रवाई हो रहा है आपके माध्यम से? अभी पहले ये जांच किया जा रहा है और जांच के बाद हम लोगों ये सारा पूरा जांच रिपोर्ट हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपेंगे और सर के स्तर से जो भी कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है क्या?